देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ अंजुमनान, जो आ रही है कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना कानपुर ब्रांच से लापता हुए लॉकर की पड़ताल में चौंकाने वाला हुआ खुलासा। कारोबारी के इस लॉकर को इनकम टैक्स ने 40 साल पहले छापेमारी के दौरान रडार पर लिया था, तो वहीं सर्च वारंट देने पर बैंक प्रबंधन आयकर को लॉकर की जांच की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि कारोबारी पर आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान यह लॉकर खोला गया था। वहीं अब लॉकर गायब होने की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने सर्च वारंट देकर खोला था लॉकर। शहर के पास इलाके में रहने वाले बड़े बिस्कुट कारोबारी सुरेश कुमार खन्ना ने बताया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच में मेरा लॉकर था, जिसका नंबर 381B था। 2 महीने पहले लॉकर खोलने गए तो पता चला कि इस नंबर का बैंक के पास कोई लॉकर ही नहीं है। 2 महीने तक बैंक के चक्कर काटने के बाद कारोबारी ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से मामले की शिकायत की है। आरोप है कि 25 करोड़ के जेवरात भरा लॉकर बैंक प्रबंधन ने गायब कर दिया है। पीलखाना थाना प्रभारी अमित भड़ाना ने मामले की जांच शुरू की। बैंक खाता मालिक सुरेश की ओर से दिए गए दस्तावेज से सामने आया है कि 1982 में आयकर विभाग ने बैंक प्रबंधन की अनुमति से उनके लॉकर को खोला था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि बैंक में सुरेश खन्ना का लॉकर था। पुलिस की जांच के पॉइंट, लॉकर अंतिम बार कब अपडेट किया था? आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान लॉकर तोड़कर चेक किया तो आखिर उस समय क्या कार्रवाई की गई? कारोबारी के लॉकर नंबर के आगे और पीछे किन खाता धारकों का लॉकर है? पूरी लॉकर के पैनल से एक लॉकर कैसे गायब हुआ? सिर्फ एक लॉकर को अलग नहीं किया जा सकता, बैंक लॉकर के पैनल क्या बदला गया है? लॉकर में कब कब बदलाव किए गए या नए लॉकरों की कैबिनेट को शामिल किया गया? लंबे समय तक सक्रिय नहीं होने पर लॉकर डिस्पोज तो नहीं किया गया? अगर डिस्पोज किया गया तो उससे संबंधित दस्तावेज, क्या बैंक के पास लॉकर से संबंधित कोई सीसीटीवी फुटेज है या नहीं?